गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एसएससी समूह गौ के अंतर्गत जो विभिन्न विभागों में यहाँ पर भर्तियाँ आई हैं, उनका फॉर्म इजीली हम घर बैठे कैसे फिल कर सकते हैं। तो गाइज, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल भर्ती टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है UKSSC। गाइज, अगर आप यहाँ पर अपने मोबाइल फोन से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फोन में यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पे आ जाइएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला लिंक आएगा UKSSC सर्च करने के बाद, इस पे हमको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास एक विंडो आ जाएगा। इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप कोने पे देखेंगे यहाँ पर एग्जाम एंड रिक्वायरमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो विभिन्न विभागों के अंतर्गत इंटरमीडिएट स्तरीय जो परीक्षा है इसके लिए आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, जो सेकेंड नंबर पे आपको यहाँ पर दिख रहा है। सिंपली इस पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर हमारे पास एक विंडो आ जाएगा। इस तो हमको क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अलग अलग टैब मिल जाते हैं। होम टैब है, इम्पोर्टेंट डेट है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डेट देख सकते हैं कि कब यहाँ पर कब से स्टार्ट हुआ था फॉर्म और कब इसकी आखिरी डेट है। उसके बाद यहाँ पर हमको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इसका नोटिफिकेशन आया था उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको रीड कर लीजिए एक बार। यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद अपनी जो एजुकेशनल डिटेल है वो यहाँ पर फिल करनी होगी, उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर और लेटेस्ट फोटोग्राफ अपडेट करना, उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। लास्ट में आप अपना फाइनल प्रिंट आउट है एप्लीकेशन का वो निकाल सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली हमको यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर कुछ बेसिक सी डिटेल फिल कर देनी है। गाइस, जिनमें यहाँ पर रेड स्टार लगा होगा वो हमको फिल करने कंपलसरी होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमको बेसिक डिटेल में अपना फिल करना है अपना नेम, अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे ही अपनी पूरी यहाँ पर हमको बेसिक डिटेल दे देनी है। नीचे यहाँ पर आप ईमेल आईडी देनी है, ईमेल आईडी कंफर्म करनी है और एक यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है और एक यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी देना आपको यहाँ पर अनिवार्य है। उसके नीचे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर डालना है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। अगर आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर जो बॉक्स देख सकते हैं इसमें आपको टिक कर देना है कि हमारा जो एड्रेस है सेम है, तो आपका दोनों यहाँ पर सेम हो जाएंगे, स्थायी पता और जो अभी आप रह रहे हैं करेंट एड्रेस वो आपका अगर सेम है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि आपको हमेशा लॉगिन के टाइम पे यहाँ पर डालना होगा। वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करना है। पासवर्ड आपका कम से कम 8 करेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम आपका यहाँ पर 15 करेक्टर तक आपका पासवर्ड हो सकता है। नीचे कैप्चा फिल करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से अपनी डिटेल फिल कर लेता हूँ और उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपनी बेसिक डिटेल फिल कर ली है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी में कि अगर आपका यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वहाँ पर आपका अगर रजिस्टर है तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसमें नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है, रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है और कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कि कौन से एम्प्लॉय ऑफिस से आपने वो बनवाया है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको ये सारे नो करके जाने हैं, सारी डिटेल आपको एक एक करके चेक करके सही सही फिल करनी है। यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक ओके आएगा, इसको ओके कर देना है हमको। और आप तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें हमारी डिटेल दिखाई दे रही है और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि सबमिट करने से पहले एक बार अपनी डिटेल को जरूर चेक कर लें। तो एक बार आप यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल अवश्य रीड कर लें। तो यहाँ पर अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको ऊपर वाले पे यहाँ पर क्लिक कर देना है कि मैंने वेरीफाई कर लिया है, मेरी पूरी डिटेल सही है, अदरवाइज यहाँ पर आप नो करके अपनी डिटेल चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। जो ईमेल आईडी है वो डालनी है आपको और जो आपने अभी पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है तो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पर्सनल डिटेल हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दे दी है, उसके बाद हमको एजुकेशनल डिटेल देनी है।
अपना इमेज और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है और फाइनल हम यहाँ पर अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल फिल करने के लिए प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको रीड कर लीजिए। एक बार आप जिसके भी अंतर्गत आते हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आता है, उस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस मिलती है कि आप एक से अधिक जो एग्जाम हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक से अधिक एग्जाम के लिए भी टिक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। एक परिवहन आरक्षी का है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने रिक्त पद हैं और कौन सी पोस्ट के लिए है, कौन से यहाँ पर आपकी आरक्षण के हिसाब से कितनी पोस्ट हैं, वो सारा डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर उप आबकारी निरीक्षक है। ये सारी पोस्टों के लिए आप यहाँ पर जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टिक कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल डालनी है। एजुकेशन डिटेल में आपको ध्यान रहे कि आपको 10th से ही स्टार्ट करना है, यानी कि सबसे पहले अपनी 10th की डिटेल डालनी है, फिर 12th की, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो जो आपकी एजुकेशन है इस क्रम में डालनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ तक भी आपकी एजुकेशन है वहाँ तक आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल डालने के बाद आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करना है। तो आप नीचे देख सकते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी क्वालिफिकेशन फिल कर दी है। इससे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना मेजरमेंट फिल करना है, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है, यहाँ पर आपका चेस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप विदाउट फुलाई भी आपको डालना है और फुलाने के बाद भी आपकी कितनी होती है वो भी यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेट अपना डालना है कि कितना वेट यहाँ पर आपका है, और अगर आपका यहाँ पर पर्वतीय है तो आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो कर दीजिए। हिल सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर अलाउ होगा, इसमें आपको छूट मिल जाएगी। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर अपने परीक्षा के केंद्र सेलेक्ट करने हैं, यानी कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं एग्जामिनेशन सेंटर, तो जो भी आपका नियरेस्ट पड़ता है उसको आप अपने पहले इसमें डालिए, और दूसरे में आप जहाँ पर दूसरी चॉइस आप लेना चाहते हैं वो डाल दीजिए। अगर इनकेस पहले वाले में नहीं आया तो आपका दूसरे वाले में आपको एग्जाम देने जाना पड़ सकता है। उसके बाद नीचे आपको इनको नो नो कर देना है, और नीचे आपको एक अपना आईडी प्रूफ देना है, इसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं और उसका नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर एक वार्निंग दे रहा है आपको, जो आपकी फ़ोटो और है सिग्नेचर के रिगार्डिंग, कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो नवीनतम होना चाहिए, यानी कि आजकल का ही आपका फ़ोटो होना चाहिए, पुराना फोटोग्राफ यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए। जो फोटो का आकार है वो 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो आकार है 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में ही यहाँ पर सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको इसको रीड करके ओके कर देना है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको अब चूज फाइल करके अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे अपलोड का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है, और यहाँ पर हमें अब फीस डिटेल दिखाई दे रही है कि हमें कितनी फीस देनी है। तो यहाँ पर मेरे केस में मुझे 300 रुपये दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो आपका यहाँ पर डिफरेंस फीस भी दिखा सकता है, तो वो भी आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद नीचे आप अपनी डिटेल देख सकते हैं, बेसिक सी डिटेल यहाँ पर आपकी दी गई है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो जो आपने फिल किया एक बार उसे फी पेमेंट करने से पहले पूरा एक बार रीड कर लीजिए, कहीं पर भी मिस्टेक होती है तो आप इसे दोबारा चेंज कर सकते हैं। पूरा रीड करने के बाद नीचे आप देखेंगे तो नीचे हमें डिक्लेरेशन के 2 बॉक्सेस मिलते हैं, इनमें हमें टिक कर लेना है। अगर हमारी सारी डिटेल सही है तो इनमें हमें दोनों में टिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पे नाउ वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डिफरेंट मेथड से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, या QR स्कैनर से भी कर सकते हैं, या कोई वॉलेट वगैरह, जिससे भी आप पेमेंट मेथड पेमेंट करना चाहें वो पेमेंट मेथड से आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आप कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपना
जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर है वो डालना पड़ेगा, नीचे कार्ड होल्डर नेम और नीचे जो आपकी कार्ड की एक्सपायरी डेट है, और इसके बाद CVV जो आपके कार्ड के पीछे होता है वो डालना है। प्रोसेस टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा, एक OTP आएगा वो फिल करेंगे तो आपका यहाँ पर सक्सेसफुली पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है और हमारा जो एप्लीकेशन है हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप भी इसको अपने पास PDF फाइल में सेव रखिए। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं पर भी आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।